दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल में 5G नेटवर्क का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और आप अपने मोबाइल में 5G नेटवर्क चलाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपना मोबाइल में 5G नेटवर्क का सर्विस नहीं चालू है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने मोबाइल का सेटिंग में आपको आना होगा, तो आपको अपना मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लेना है। अपना सेटिंग ओपन करने के बाद से यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा आपको, उसको ऊपर पे उसको आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको दो सिम अगर लगे होंगे तो जो भी सिम में अपना 5G नेटवर्क एक्टिवेट करना चाहते हैं उस सिम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम पहला करना चाहते हैं तो पहला वाले पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद से देख सकते हैं कि अभी हमारा LTE पर है, तो आपको प्रेफर 5G वाला ऑप्शन मिला है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद से दोस्तों आपको फिर से एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऊपर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के ऊपर, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे रीसेट का बटन मिलेगा, आपको उस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इस ऐसे करने से दोस्तों आपका क्या होगा कि आपका नेटवर्क जो फिर से रीसेट हो जाएगा और 5G के लिए एक्टिवेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद से दोस्तों आपको डाउनलोड करना है एयरटेल थैंक्स ऐप, जो कि आपका ये 5G एक्टिवेट करने के लिए इसी से होगा, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद से दोस्तों ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप अपना एयरटेल का जो मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे। डालने के बाद से वो पे सेंड OTP पे आपको गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से दोस्तों आपके मोबाइल पर OTP आएगा 4 अंक का, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, देख सकते हैं रीड हो जाए इस तरीके से। उसके बाद से आपका एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों जैसे ओपन हो जाता है तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। आपको अगर अपना सर्विस एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको एक सेटिंग मिलेगा वहाँ पे क्लेम करने के लिए, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लेम अनलिमिटेड 5G डाटा का ऑप्शन मिल रहा है, या इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अभी अनलिमिटेड 5G जो 0 पैसे में आपका एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ पे कोई भी चार्ज, आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा यहाँ पे अनलिमिटेड चलाने के लिए। और मैं बता दूं दोस्तों आपको यहाँ पे अगर अनलिमिटेड का सर्विस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में कम से कम 239 रुपये से नीचे का आपका रिचार्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपका 5G नेटवर्क का आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, फ्री में अनलिमिटेड अपना 5G नेटवर्क चलाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 239 रुपये का रिचार्ज करना होगा। उससे ऊपर का जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 239 रुपये का करना है। तो आपको क्लेम करना है 5G नेटवर्क के लिए, तो आपको क्लेम नाउ का यहाँ पे बटन मिलेगा, आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इसको क्लेम नाउ वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लेम नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आपका मैसेज मिल जाएगा, अनलिमिटेड 5G डेटा फ्री, देख सकते हैं इस तरीके से, और एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों आपको अपना मोबाइल को सेटिंग को देखने पड़ेगा कि आपके मोबाइल का एक मतलब सर्विस एक्टिवेट है कि नहीं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ चेक योर 5G रेडीनेस का ऑप्शन मिलेगा, और आपको यहाँ पे मैसेज भी मिल जाएगा, देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन अनलिमिटेड 5G डेटा विथ एयरटेल 5G प्लस इज नाउ एक्टिव, इस तरीके से बताया मैसेज बता देगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका 5G डेटा अब एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ से उसके बाद से अपना नेटवर्क चेक करना है कि मतलब मोबाइल चेक करना है कंपेटेबल है कि नहीं है, तो यहाँ चेक योर रेडीनेस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि आपका फेचिंग हो रहा है डेटा, यहाँ से 5G हैंडसेट और 5G सॉफ्टवेयर का यहाँ पे देखा जा रहा है कि मतलब ये वैल्यूएबल है कि नहीं। अब देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे यू आर 5G रेडी, यहाँ से बता रहा है कि आपका 5G अब आपके मोबाइल में चल सकता है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको प्रूफ के तौर पे, तो देख सकते हैं हम अपना अभी वाईफाई से चला रहे थे, अब मोबाइल डेटा हम ऑन करते हैं, तो देख सकते हैं मोबाइल डेटा हम ऑन करने के बाद से अब हमारा मोबाइल का 5G डेटा एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर 5G नेटवर्क लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना 5G एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा।